फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। फिर से एक नई जानकारी के साथ, कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जो ट्रेनें लखनऊ आया करती थीं, तो वो अब बदले हुए मार्ग से लखनऊ आया करेंगी। उन ट्रेनों के नाम हैं बेगमपुरा, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दुन एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस, बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस, जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस। और इसके अलावा एक और ट्रेन है जो इंदौर से राजेंद्र नगर के बीच में चलती है। इन सभी ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। और आप लोगों को एक ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो देहरादून से बांद्रा टर्मिनस के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसके मार्ग में परिवर्तन कर दिया गया था। आदेश भी जारी कर दिया गया था कि वो रतलाम से कोटा के बीच में बदले हुए मार्ग से चला करेगी, लेकिन अब उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है और पुराने ही मार्ग पर देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन चला करेगी। मैं आगे आप लोगों को और जानकारी दूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो बात करते हैं बेगमपुरा एक्सप्रेस की। ये सुल्तानपुर होकर चला करती थी, अब इसका रूट प्रतापगढ़ रायबरेली हो गया है। दून एक्सप्रेस फैजाबाद होकर चला करती थी, ये भी रायबरेली प्रतापगढ़ होकर चला करेगी। किसान एक्सप्रेस फैजाबाद होकर चला करती थी, ये भी रायबरेली प्रतापगढ़ होकर चला करेगी। बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस ये फैजाबाद होकर चला करती थी, अब ये भी रायबरेली फाफा माऊ ऊंचा हार होकर चला करेगी। सरयू यमुना एक्सप्रेस जयनगर अमृतसर के बीच में चलने वाली, ये मुरादाबाद दिल्ली अम्बाला होकर चला करती थी, अब इसका नया रूट जो होगा वो मुरादाबाद सहारनपुर अम्बाला कैंट होकर चला करेगी। इसके अलावा जो राजेंद्र नगर इंदौर एक्सप्रेस है वो भोपाल होकर चला करती थी, अब इसका जो नया रूट है वो हरदा रामनगर होकर चला करेगी। तो ये 5-6 ट्रेनें हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों को गिना दिए हैं, और आप लोग इनमें जब भी कभी आरक्षण कराएं तो कृपया मार्ग परिवर्तन पर भी ध्यान दे दीजिएगा कि ये आपके रूट से गुजर रही हैं या नहीं गुजर रही हैं। वाराणसी से अयोध्या जाने वाली काफ़ी ट्रेनें थीं जो अब लगभग 2-3 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन हो गए हैं, अब वो अयोध्या नहीं जाया करेंगी। सीधे एक ट्रेन सुविधा हुआ करती थी वाराणसी से अयोध्या के बीच में, जैसे दून एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस, बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस, अब आप लोगों को दूसरी ट्रेन पकड़ना पड़ेगा वाराणसी से। तो इन ट्रेनों का जरूर ध्यान में रखिएगा कि मार्ग परिवर्तन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गौर किया कि किसान एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस, इन ट्रेनों के जो मार्ग परिवर्तन हुआ है, अब लखनऊ से वाराणसी के बीच में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन साथ में एक समस्या ये भी उत्पन्न हो गई है कि जिन लोगों को लखनऊ से अयोध्या जाना होता था या वाराणसी से अयोध्या जाना होता था, अब उनको दूसरी ट्रेनों का लाभ लेना पड़ेगा, दूसरी ट्रेनों को पकड़ना पड़ेगा। इन ट्रेनों की सुविधा खत्म हो जाएगी, अब उस रूट पर नहीं जाया करेंगी, तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा दी हुई जानकारी का वीडियो, जो मैंने मार्ग परिवर्तन से संबंधित ट्रेनों की जानकारी दी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।